सच साहस सरोकार। कुशीनगर में इस्लामिक झंडे पर हिंदूवादी संगठन ने जताया विरोध। शाहजहांपुर में डॉक्टर सुब्रा होम्योपैथी क्लिनिक का हुआ उद्घाटन। शाहजहांपुर में इनरव्हील क्लब ने आयोजित किया निशुल्क स्वास्थ्य शिविर। औरैया के बिधुना कोतवाली पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री पर की कार्रवाई। बारिश के कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण के सुलभ आवास की ढही दीवार। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण की परियोजना सुलभ आवास की भारी बारिश में दीवार ढह गई। एलडीए वीसी इंद्रामणि त्रिपाठी ने सुलभ आवास का निरीक्षण किया, तो वहीं जल्द मरम्मत कार्य कराने के निर्देश भी दिए हैं। और समाज सेवी विवेक शर्मा लखनऊ विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल भी उठाए हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां एचपी इंटर कॉलेज के 3 छात्र पिछले 24 घंटे से गुमशुदा थे। गांधी पार्क पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी छात्रों को सकुशल बरामद किया है। दुर्गेश कुमार द्वारा थाना गांधी पार्क पर सूचना दी गई कि उसका लड़का संदीप व उसके दो साथी रवि व यश, जो उसके साथ ही कक्षा 8 हीरालाल बारा सैनिक कॉलेज के छात्र हैं, कहीं बगैर बताए चले गए हैं। प्रथम सूचना दर्ज करते ही पुलिस द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया और अथक प्रयास के बाद 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन खुशी के तहत तीनों बच्चों को सकुशल बरामद किया गया है और उनके परिवारजनों को सुपुर्द किया गया है। खबर फरीदाबाद से है, जहां आशियाना फ्लैट में बसे खोरी कॉलोनी के विस्थापितों से मिलने पहुंची सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय टीम। स्थानीय निवासियों ने बिजली, पानी, सीवर और बिल्डिंग की जर्जर होने की शिकायत जानकारी दी। कमेटी के सदस्यों से नगर निगम कमिश्नर ने 45 दिनों के भीतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। अभी तो इनिशियल असेसमेंट की है, अभी इनकी रिपोर्ट बनाएंगे, अभी इतनी जल्दी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। कितने सदस्य पहुंचे हैं आज देखने के लिए? 3 लोग आए हैं, 2 एक सिविल इंजीनियर, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर और एक आर्किटेक्ट जी। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है, उससे पहले ही करेंगे। किस तरह के हालात देखे हैं आपने? ये मैं रिपोर्ट में ही बताऊंगा जी। बिजली का एक इशू था, बिजली के लिए भी बिजली विभाग में 1,65,00,000 रुपया जमा करवा दिया। अलग से एलटी लाइन डल रही है यहाँ के लिए, अंदर कनेक्शन के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 लोगों ने कनेक्शन अप्लाई कर दिए थे, 10 का आज हो गया, 5 का शायद अगले 24 घंटे में, जैसे एसडीओ साहब ने मुझे बताया, वो हो जाएगा। और जो भी अप्लाई करेगा कनेक्शन, उसमें बिजली विभाग 48 आवर्स में उसका कनेक्शन जारी कर देगा। स्टार्टिंग में आज, जैसा आप सब जानते हो, जैसे भी कोई भी एक छोटा सा घर बसता है उसमें भी समस्या आती है। ये तो करीबन 1600 फ्लैट है। जो भी समस्याएं डे टू डे की आएंगी, उसमें हमारा जेई डेली यहाँ 1 घंटा साइट ऑफिस में बैठेगा और वो उनकी समस्याओं का निदान करेगा। खबर गोंडा से है, जहां प्राथमिक विद्यालय मनकापुर में तैनात शिक्षक गूगल मैप के माध्यम से अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, तो वहीं एक शिक्षिका गूगल मैप पर गलत जानकारी देकर पिछले 3 दिन से अनुपस्थित है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने गूगल मैप से लगने वाली हाजिरी की जांच के आदेश दिए हैं। खबर शाहजहांपुर से है, जहां हनुमान धाम पर डॉक्टर सब्रा होम्योपैथी लेजर कॉस्मेटिक और न्यूट्रिशन क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। डॉक्टर संगीता मोहन ने फीता काट कर शुभारंभ किया, साथ ही
डॉक्टर संगीता मोहन ने बताया कि होम्योपैथी दवाओं से पथरी, रसौली और गार्ड जैसी तमाम दुर्लभ बीमारियों का कम समय में सफलतापूर्वक इलाज संभव है। डॉक्टर शुभ्रा श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने BHMS अर्थात बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री ग्वालियर से प्राप्त की थी और उसके बाद इन्होंने इसमें और ज़्यादा इनोवेशन करते हुए लेज़र ट्रीटमेंट और न्यूट्रिशन का कोर्स भी इन्होंने किया है और अब ये अपने आज क्लिनिक खोल के सभी पेशेंट्स को लेज़र के द्वारा और न्यूट्रिशन के द्वारा, देखिए न्यूट्रिशन का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व है। आजकल केवल दवाई ही अच्छा काम नहीं करती है, साथ में हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, अपनी जीवन शैली को कैसे रखना चाहिए और साथ में न्यूट्रिशन का अर्थात पोषण का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम लोग सब कुछ खाते हैं पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, किस उम्र में कितना भोजन करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, कितने अंतराल पर करना चाहिए। तो इन सब की डिटेल्ड कोर्स शुभ्रा श्रीवास्तव, डॉक्टर शुभ्रा श्रीवास्तव करके आई हैं, तो जनपद के लिए बहुत अच्छा आज हम लोगों को फिजिशियन मिला है डॉक्टर शुभ्रा श्रीवास्तव के रूप में। तो अभी आगे इसी तरह से अपने मरीजों को लाभान्वित करेंगी और इनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लिनिक देखिए हनुमत धाम एक ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे पब्लिक मोस्टली आती है और लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है ज़्यादातर जाने का। मंदिर में दर्शन करने लोग आते हैं तो उनको ये रहता है कि हमें यहाँ टाइम नहीं मिला है, तो हम चलो मेडिसिन अब है टाइम आए हैं दर्शन करने तो ले लेते हैं। फिर लेज़र का ये है कि मेडिसिन के साथ में लेज़र इसलिए रहता है कि जल्दी से जल्दी उनको रिकवरी हो, उनका हेयर फॉल होता है या एक्ने के स्पॉट्स वगैरह रह जाते हैं तो उसकी रिकवरी के लिए लेज़र सबसे बेस्ट रहता है। और न्यूट्रिशन का रोल ये रहता है कि हम जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो ओवरऑल हमारी डाइट भी डिपेंड करती है कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है बताना लोगों को। तो अगर न्यूट्रिशन आप साथ में लेते हैं तो ओवरऑल लाइफ टाइम आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। सीतापुर में जहां आज आम आदमी पार्टी ने झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ अभियान के तहत शहर में रैली निकालकर साफ सफाई की, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने राष्ट्र नेतृत्व के आह्वान पर झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ अभियान चलाया। तो वहीं पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लालबाग शहीद पार्क में रैली निकाली। रैली के घंटाघर चौराहे से होकर लालबाग चौराहा पहुंची। खबर औरैया से है जहां बिधुना कोतवाली पुलिस ने अवैध असलाह बनाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास अवैध असलहे, जिंदा कारतूस और असलहे बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी शातिर बदमाश हैं जिन पर अन्य जनपदों में भी मुकदमे दर्ज हैं। थाना बिधुना क्षेत्र अंतर्गत एक रावतपुर गांव पड़ता है, उसमें साबिर बख्श के प्लॉट में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित हो रही है। यहाँ पे 3 अभियुक्त काफ़ी मात्रा में जो है ये शस्त्र बनाने के सामान के साथ उपस्थित है और शस्त्र अभी भी बन रहे हैं वहाँ पर। तो थाना बिधुना की टीम CO बिधुना के निर्देशन में, उनकी गाइडेंस में SOG की टीम के साथ इन लोगों ने पूरा घेराबंदी किया, क्योंकि ये बीच में गांव के अंदर था और भोर का टाइम था, तो पूरा घेराबंदी किया, सिखाए हुए तरीके से अभियुक्तों को पकड़ा और शस्त्र फैक्ट्री बरामद करी। खबर कुशीनगर से है जहां मोबाइल टावर पर इस्लामिक झंडे को पाकिस्तानी झंडा बताकर अराजक तत्वों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया। हिंदुवादी संगठन ने गोबरही और हेतिमपुर सड़क मार्ग पर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया, साथ ही टावर पर लगे झंडे को उतारने के निर्देश भी दिए। जब हम लोग को सूचना मिली है कि गोबरही स्थित जो टावर है उस पर इस्लामी झंडा लगाया गया है, हम लोग मौके पहुँचे, देखे झंडा लगा हुआ था। हम लोग को जहाँ तक यह है कि ये धार्मिक उन्माद को बढ़ाने के लिए इस्लामी झंडा लगाया गया था, इसमें मतलब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा का बढ़ावा हो जाए, बस इसी निमित्त झंडा लगाया गया था। हम लोग आए, SHO से बात किए, हम लोगों ने एक अप्लीकेशन तहरीर दिया है कि जो अपराधी तत्व है, जो अज्ञात लोग हैं, नाम तो किसी को नहीं पता है, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए और इसकी जाँच किया जाए। थाना कसिया के अंतर्गत गोबरही चौराहे के पास में एक टावर पर एक धार्मिक झंडा लगा होने का वीडियो सामने आया है। ये
एक धार्मिक झंडा है, यह पाकिस्तान का झंडा नहीं है। इस झंडे को नियमानुसार उतरवाया जा रहा है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर शाजापुर से है, जहां इनर व्हील क्लब ने एसपी कॉलेज में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। वरिष्ठ एवं सम्मानित पत्रकार ओंकार मनीष ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में शामिल हुए नोएडा देहरादून के डॉक्टरों को शॉल और बुके देकर उनका स्वागत हुआ। स्वास्थ्य शिविर में घुटनों के मरीज, स्लीप डिस्क जैसी गंभीर बीमारियों के संबंध में जानकारी दी गई। शिविर में 45 से अधिक मरीजों का इलाज हुआ। शिविर में क्लब की सदस्य निधि मिश्रा, सुनीत गर्ग समेत कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। हम खुद को भी दिखाने आए हैं, बेटी को भी दिखाने आए हैं। हम दोनों को स्पाइन की प्रॉब्लम है। अच्छा, कब से थी? हो गई है, मेरी तो 10 साल पुरानी है, इनकी भी लगभग 6-7 साल पुरानी है। अच्छा, तो किस तरीके का इसका इलाज किया गया रहा है और क्या कुछ है? यहाँ पे फिजियोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। डॉक्टर पंकज भारती होलिस्टिक वेलनेस सेंटर है, जिसका मेन सेंटर लखनऊ में है। वहीं से हमने डॉक्टर बुलाए हैं। ये डॉक्टर यशवंत बैठे हैं, जो नोएडा से आए हैं। उनकी टीम आई है पूरी साथ में, साथ में थेरेपिस्ट भी आया है। जो यहाँ डॉक्टर साहब जिस चीज़ के लिए बता रहे हैं उसका इलाज भी यहाँ तक करके दिखा रहे हैं। और जो जॉइंट पेन ऐसे हो जाते हैं आर्थराइटिस या स्पाइन के, जो डॉक्टर्स कह देते हैं ला इलाज है और अब ऑपरेशन कराइए या नी ट्रांसप्लांट कराइए, उसको डॉक्टर ठीक करते हैं। विभिन्न तरह के मरीज मिले हैं, खासकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, नी पेन, कुछ लोगों को डायबिटीज़ की भी शिकायत थी, कुछ लोगों को ओबेसिटी की शिकायत थी, कुछ लोगों को पार्किंसन था। तो हमने इन सबको जीवन शैली से जितनी संबंधित बीमारियां हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी है, जॉइंट पेन के बारे में बताया है, कैसे आप अपने जीवन जीने की क्वालिटी है उसको सुधार सकते हैं। तो ये तमाम बीमारियाँ हैं, जैसे जॉइंट पेन, डायबिटीज़, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क, शाटिका, इन सबसे नॉर्मली जो एलोपैथी की दवाइयाँ दी जाती हैं उसके लिए बिना ही इन सबको रिवर्स कर सकते हैं। खबर मेनपुरी से है, जहां नेताजी के निधन के बाद खाली हुई लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित किया। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा धर्म की राजनीति करते हैं। उन्होंने बताया कि शिवपाल यादव के आशीर्वाद से सपा प्रत्याशी की भारी मतों से जीत होगी। ये चुनाव मेनपुरी का आदरणीय नेताजी को सुमन अर्पित करने का चुनाव मेनपुरी की तरफ से, और मुझे यकीन है नेताजी की हर उम्मीद और आशा को मेनपुरी के लोगों ने हमेशा पूरा किया है ना। जब किसी को भी नेताजी ने यहाँ से उम्मीदवार बना के भेजा तो मेनपुरी के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है, और आज जब नेताजी नहीं है और आदरणीय डिंपल जी पार्टी के उम्मीदवार हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मैनपुरी के लोग अपने उसी भाव, उन्हीं रिश्तों, उन्हीं जज्बातों के साथ आदरणीय डिंपल जी को यहाँ से न केवल बड़े वोटों से चुनाव जिताएंगे, बल्कि मैनपुरी के प्रति जो नेताजी के सपने रहे, जो नेताजी की उम्मीदें रहीं, उन उम्मीदों को और आगे बढ़ाने का मौका मैनपुरी के लोग देंगे। प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।